तो आज क्लास में बात करेंगे नेपाल सरकार के बारे में, ठीक है। सभी को महत्वपूर्ण वीडियो होगी ये सभी के लिए, तो सभी अच्छे से नोट कर लेंगे। और कोई भी आपका डाउट हो या कोई भी आपका क्वेरी हो, या आप चाहते हो कि लगातार आपको उत्तराखंड के नोट्स मिलते रहे, या अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको उत्तराखंड की क्लासें मिलती रहे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर सभी के सामने मैं अपना मैंसन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये रहा मेरा नंबर। अगर आप चाहते हैं कुछ भी आपका डाउट्स हो तो आप मुझे यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे नेपाल सरकार के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 24 रियासतें थी, और 24 रियासतों का अगर मैं बात करूँ एकीकरण, यानी कि जो छोटी छोटी छुटपुट जो रियासतें थी सभी का जो एकीकरण किया था वो किसने किया था, वो किया था आपका पृथ्वी नारायण शाह ने। पृथ्वी नारायण शाह ने 1743 में, 1743 में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शासन शुरू किया, इन सभी का एकीकरण किया, यानी कि एक प्रकार से बिस्मार्क का इन्होंने कार्य किया। इन्होंने जो कि बीच में कई सारी दीवारें हो रखी थी, जो रियासतें एक दूसरे को नहीं चाहती थी, उन्होंने एकीकरण करके प्रथम राजा कहलाए, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल के प्रथम शासक कौन थे, तो कौन थे शासक आपके, पृथ्वी नारायण शाह। शासनकाल कब से कब तक रहा, 1743 से लेकर 1775 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, और इन्होंने टोटल 24 रियासतों का एकीकरण किया, ठीक है। उत्तराखंड अगर आप अध्ययन कर रहे हो उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड इतिहास के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि नेपाल का क्या कुछ इतिहास रहा, किस प्रकार वहाँ पर कौन कौन से शासक वहाँ पर यहाँ आए, तो सभी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो बात करेंगे हम प्रथम यानी कि पृथ्वी नारायण शाह के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आधुनिक निर्माण, यानी कि जो नेपाल का जो इन्होंने अधिग्रहण किया या क्योंकि इन्होंने एकीकरण किया, वो कौन थे आपका, पृथ्वी नारायण शाह, ठीक है। नेपाल का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है, जिस प्रकार जिस जर्मनी का बिस्मार्क था, तो इसी प्रकार आपका नेपाल का बिस्मार्क कौन है, तो पृथ्वी नारायण शाह है, ठीक है। श्री श्री गोरखनाथ इन्हें उपनाम दिया गया, ठीक है। श्री श्री गोरखनाथ इन्हें उपनाम दिया गया, और ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है किसकी पूजा करते थे, तो शिव की पूजा करते थे, ये भी आपके ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन बताया था कि उत्तराखंड में जो आपके नेपाली जो शासक थे, या मैं कहूँ कि जो गोरखा शासक थे, वो 1804 या 1790, आप सभी जानते हैं 1790 में कुमाऊं पे जीत प्राप्त की, 1804 में गढ़वाल पे जीत प्राप्त की, लेकिन इनसे पहले भी यह आक्रमण किया करते थे, ठीक है। 1700 में अगर बात करूँ 1745 की, तो इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, किसके समय, प्रदीप शाह के समय, यह आप ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर दो की अगर मैं बात करूँ, इनके बाद इनका पुत्र गद्दी पर बैठता है, उसका नाम है प्रताप सिंह, 75 से 78, यानी कि कुल छोटा सा शासनकाल रहा, जो पिताजी ने जो अपना नाम कमाया था उसी को बस आगे बढ़ाया, किसने, प्रताप सिंह ने, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण शासक आएगा कौन, रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह यहाँ से क्वेश्चन ग्रुप सी में 2-3 आ रखे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और नोट्स कंटिन्यू आपने बनाते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इनका समय अंतराल कब से कब तक, 1778 से लेके 1800 तक, कब, 1778 से लेके 1800 तक शासन की गद्दी पर बैठते हैं। पत्नी का नाम क्या था, क्रांति देवी, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, जैसे कुछ दिन पहले श्रीदेव सुमन की वाइफ का नाम पूछ लिया, तो रण बहादुर शाह की वाइफ का नाम भी पूछा जा सकता है, क्या नाम था, क्रांति देवी, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, जिस समय गद्दी पर बैठे, तो प्रताप साहब से भी जानते कि छोटा सा शासनकाल करके गए, और इसी के शासनकाल के बाद जो इनके पुत्र थे रण बहादुर शाह, तो रण बहादुर शाह छोटी सी उम्र, मात्र 4 साल की अवस्था पर गद्दी पर बैठ गए थे। अब 4 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठेंगे तो ओबीसी बातें शासन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो संरक्षिका के रूप में राजेंद्र लक्ष्मी या इंद्र लक्ष्मी, देखो कुछ किताबों में राजेंद्र लक्ष्मी लिखा है, कुछ किताबों में इंद्र लक्ष्मी लिखा है, तो या तो राजेंद्र लक्ष्मी होगा या इंद्र लक्ष्मी, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो उन्होंने एक संरक्षिका के रूप में कार्य किया, किसका, रण बहादुर शाह का, ठीक है।
बाद में चौधरिया बहादुर सिंह क्या करते हैं, इंद्र लक्ष्मी को मार देंगे या राजेंद्र लक्ष्मी को मार देंगे, और क्या करेंगे, खुद संरक्षक के रूप में बन जाएंगे, यह आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रण बहादुर शाह ने नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई, यह आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊं, आप एग्ज़ाम उठाकर देख लेना, मेरे जैसे याद है 28 अक्टूबर 2018, ठीक है। कुमाऊं पर जब विजय प्राप्त की थी उस समय कौन सा शासक थे, तो कौन थे, रण बहादुर शाह, यह आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्वामी निर्गुणानंद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, स्वामी निर्गुणानंद किसे कहा गया है, रण बहादुर शाह को। देखो अंत समय में क्या होगा, अंत समय में ये पूजा पाठ यानी कि भक्ति की ओर विचलन करना शुरू कर देंगे, तो उसी वजह से इन्हें क्या कहा गया, स्वामी निर्गुणानंद, ठीक है। और साथ में साथ इन्हें तेलुजी देवता की भी इन्हें उपाधि दी गई है, क्या, तेलुजी देवता की उपाधि किस नेपाली शासक को दी गई है, तो रण बहादुर शाह को दी गई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं जितने भी आपके आगामी एग्जाम है, चाहे 751 हो या 854 हो, वीडियो समाज कल्याण अधिकारी, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अगला शासक की मैं बात करूँगा, कौन है, गिवान युद्ध विक्रम शाह, ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण, मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनके समय गढ़वाल विजय हुई थी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लूँ रण बहादुर शाह के समय, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि कुमाऊं पर विजय के समय कौन था, आपका रण बहादुर शाह, लेकिन गढ़वाल पर आक्रमण के समय कौन था, तब भी रण बहादुर शाह थे। रीज़न, क्योंकि गढ़वाल पर जब पहला आक्रमण हुआ उस समय रण बहादुर शाह थे, लेकिन यहाँ पर संधि हुई थी, और संधि के तहत 25,000 रुपये की मांग की थी कि नेपाल सरकार को 25,000 रुपये देने पड़ेंगे प्रद्युमन शाह को, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नंबर 4 गिवान युद्ध विक्रम शाह के बारे में, ठीक है। शासनकाल कब से कब तक रहा, 1800 से लेकर 1814 तक शासनकाल रहा, यानी कि महत्वपूर्ण शासनकाल मानूंगा। और 1814 में जब यहाँ पर लड़ाई बजी, उसी समय इन्होंने गद्दी छोड़ दी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोमांच तथ्य रहेगा। तो गढ़वाल विजय के समय शासक थे, गढ़वाल विजय कब हुई थी, 14 मई 1804 को, यह आप ध्यान रखो, ठीक है। गोरखाओं का प्रसिद्ध त्यौहार दशहरा या दशहरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो गोरखाओं का आप सभी जानते हैं कौन सा त्यौहार है प्रसिद्ध, दशहरा या दशहरा, तो वो शुरुआत किसने की थी, तो गिवान युद्ध विक्रम शाह ने ही की थी, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आपने जाना कि किस प्रकार उत्तराखंड के अलावा नेपाल का भी इतिहास है, और कौन कौन से शासक वहाँ पर एक्टिव रहे, संस्कृति काफ़ी मिलती जुलती है, परंपराएं काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है उत्तराखंड, और मैं अगर बात करूँ नेपाल की, ठीक है। तो नोट्स या कोई भी अगर आपको अन्य जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये नंबर मैं आपके सामने अपना मेंशन कर दिया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर आप मुझे SMS कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए पूरे उत्तराखंड की, इसी प्रकार से हस्तलिखित, या अगर आपको हमारी लाइव क्लास, जैसे यह क्लास हमने प्रोवाइड कराई है, इस तरीके से आपको समस्त उत्तराखंड और साथ में हिंदी, ठीक है, समस्त उत्तराखंड और हिंदी की अगर आपको क्लास चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो सभी के पास आपको शेयर करनी है, ये फ्री है, आप शेयर कर सकते हैं, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, वो कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं आपको जल्दी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, और मैं यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पढ़ने से क्लियर होंगे, सोचने से या इधर उधर की बातें करने से नहीं होंगे, ठीक है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग है, प्रोफेशनल लाइफ में हम जो कर रहे हैं वो चीज़ छोड़ दीजिए, लेकिन पर्सनल लाइफ में हमारा अपना दायित्व होता है कि हम अपने फ्यूचर को किस प्रकार से निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि परिवार वालों का पूरा केंद्र हम पर होता है, और वे चाहते हैं कि हमारी जो जो संतान है, जो हमारे जो उत्तराधिकारी है, वो उस लायक हो, वो भी सरकारी नौकरी करे। तो यही कुछ छोटी छोटी चॉइस होती है हमारी फैमिली की, जो कि हमें पूरी करनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो बने रहिए आप हमारे साथ और लगातार पढ़ते रहिए।